जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एग्जामिनेशन बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार होगी। उसमें हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया है कि आप लोगों के लिए बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो 2021 का एग्जाम पेपर है उसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में हम उसी का सॉल्यूशन न्यूमेरिकल वाला वो लेकर आए हुए हैं, उसको हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। हो सकता है कि वह एक वीडियो में आपके पास न जा पाए किसी कारणवश, भाई आप लोगों को भी छोटे वीडियोज पसंद है, तो हम कोशिश करेंगे कि दो भागों में आपके पास बहुत ही अच्छी तरह से हम उसे समझाते हुए आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आइए देखते हैं एनईपी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम। यहां आप देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी 1027 कोड है। यहां पर बीकॉम एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन पेपर है। ये कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन न्यूमेरिकल वाले पेपर का जरूर दिखाऊंगा। यह प्रश्न पत्र आपके सामने मौजूद है और इसके अनुसार इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन यहां से शुरू है, क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल है, 2 भी लिखने वाला ही है, 3 भी लिखने वाला ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से बिल्कुल न्यूमेरिकल स्टार्ट है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कंटिन्यूअस सीरीज प्रिपेयर द लेस देन मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज। यानी इससे हम से कम और से अधिक संचयी श्रेणी बनाने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, इसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अधिक और से कम यानी लेस देन और मोर देन दोनों सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लेस देन की बात करेंगे, तो लेस देन में ये जो क्लास इंटरवल दिया है इसका जो अपर लिमिट है यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसको लेंगे इस तरह से और यहाँ लिखेंगे लेस देन। देखिए यहाँ पर लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 और 60। इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका CF फॉर्मेट दिखाएंगे, यानी पहले के सामने 8 ही रहेगा इस प्रकार से, लेकिन जैसे ही अगले में जाएंगे तो हम 20 के सामने 12 में 8 को ऐड कर देंगे ऐसे, और ये 20 हो जाएगा। फिर 20 में अगला नंबर ऐड करेंगे 30, तो ये 50 हो जाएगा। फिर 50 में हम 25 को ऐड करेंगे 75, ऐसे ही 18 को ऐड कर देंगे आगे चल के 93 होगा, और 17 को ऐड करेंगे तो 110 होगा। ये लेस देन कम फ्रीक्वेंसी बन चुका है। अब हम पहुँचते हैं अपर में यानी अधिक वाले में, तो जो मोर देन है उसमें हम इधर वाले नंबर को लेके चलेंगे और फ्रीक्वेंसी का जो CF है यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखेंगे मोर देन, मोर देन ये नंबर चलेगा 0, 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से, और जो फ्रीक्वेंसी का CF फॉर्मेट है वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा। पहले नंबर पे 17 ही रहेगा, अगले में 17 में 18 ऐड हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। फिर 35 में 25 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 60 होगा। फिर 60 में 30 को ऐड करेंगे तो 90 होगा। फिर 90 में इसको इसी प्रकार से ऐड करते हुए चलेंगे,
यानी 90 में 12 को ऐड कर देंगे तो 102, और 102 में लास्ट में 8 को ऐड करेंगे तो 110। इस प्रकार से ये मोर देन बन चुका है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सामने है प्रश्न संख्या 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है डेविएशन ऑफ 6 नंबर्स फ्रॉम एज्यूम्ड मीन 10 आर एज फॉलोज, व्हाट आर द नंबर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ देयर मीन। इसमें एज्यूम मीन दिया है और यहाँ पर डी दिया हुआ है। इस प्रकार से जिनके पास किताब होगी उनके पास ये न्यूमेरिकल उन्होंने अवश्य सॉल्व किया होगा, अगर पढ़ा होगा तो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए इस नंबर को हम डी मानेंगे, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यानी ये नंबर डी के रूप में ऐसे लिख दिया जाएगा। इसका टोटल करेंगे, कुल 6 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिग्मा डी यानी इसका टोटल प्लस की संख्याएं होती हैं 10, 11 और 2 13, माइनस की संख्याएं हैं 4 और 3 7, तो 13 के प्लस में से 7 के माइनस माइनस होंगे तो 6 जो बचेगा प्लस का बचेगा, इसे सिग्मा डी बोलेंगे। इसका हमारा जो मीन का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए एज्यूम मीन को कहते हैं जो कि सवाल में ही दिया हुआ है, वो 10 है, 10 को यहाँ रखेंगे प्लस 6 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 6 × 6 यानी 1 आएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने एक्चुअल नंबर भी पूछा है, तो जो ये एज्यूम मीन है 10, उसमें हम इसी को ऐड करेंगे डी को, यानी ए प्लस डी करेंगे। तो यहाँ पर 10 में, यहाँ पर माइनस 4 है तो 10 में से 4 घटा देंगे, इस प्रकार से 10 प्लस माइनस का 4, तो ये माइनस लगा है तो ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो माइनस ही हो जाएंगे, घट करके 6 हो जाएगा। ये प्लस है, 10 में 2 आराम से जुड़ के 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो घट ही जाएगा सीधा 7 होगा, ये प्लस है जुड़ जाएगा, ये कुछ नहीं है समझ लो, 0 है तो 10 ही रहेगा, और यहाँ पर 10 प्लस 10 तो 20 हो जाएगा, ये हमारा एक्स भी निकल गया है। यानी इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 फैमिलीज गिवन बिलो द नंबर ऑफ फैमिलीज करिस्पोंडिंग टू एक्सपेंडिचर ग्रुप 20 to 40 एंड 60 to 80 आर मिसिंग फ्रॉम द टेबल, हाउ एवर द मीडियन इज नोन टू बी 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये कह रहे हैं ये क्लास इंटरवल है, इसमें दो मिसिंग है, 20 से 40 वाला और 60 से 80 वाला, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है, जबकि इन्होंने मध्य का यानी मीडियन की वैल्यू दी हुई है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्लास इंटरवल लिखेंगे पहले जो उन्होंने लिखा है, फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने लिखा है उसको लिखेंगे, जो मिसिंग है उसे एक्स और वाई मान लेंगे, फिर हम सी एफ का फॉर्मेट देंगे क्योंकि मीडियन के लिए सी एफ का होना जरूरी है। 14 का 14 ही रहेगा, इसमें हम एक्स को प्लस कर देंगे तो 14 प्लस एक्स हो जाएगा। इसके बाद 14x में यानी 14 प्लस एक्स में फिर 27 ऐड होगा तो 27 में 14 तो जुड़ जाएगा, 41 हो जाएगा 41, और प्लस एक्स फिर वाई जुड़ेगा तो आगे वाई प्लस हो जाएगा, 15 जुड़ेगा तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यानी जो n का टोटल बुक में दिया है वैसे 100 है, यानी ये जो 100 है ये 56 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अगर इसमें हमें एक भी वैल्यू पता हो जाए तो हम आसानी से दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पर फार्मूला पुट किया क्योंकि उन्होंने मीडियन दिया है तो मीडियन का ही फार्मूला पुट होगा। m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 था आइटम, यहाँ पर n 100 है तो 100 अपॉन 2 यानी कि 50 आइटम। मीडियन का जो फार्मूला आता है वो फार्मूला तो है ये, लेकिन जब यहाँ पर 50 आइटम आया है तो वो 50 यहाँ लाइज करेगा, 40 से 60 के बीच में ही 50 आता है, इसका मतलब इसका जो ग्रुप सिलेक्शन है वो यही वाला होगा। तो हमारा ये L1 होगा, इनके बीच का I 20 होगा और ये 27F होगा, इसके जस्ट ऊपर वाला ये C होगा। यहाँ पर इन नंबरों की हमें ज़रूरत है,
मीडियन बुक में ही लिखा हुआ है 50 दिया गया है, गिवन है। L1 हमारा ये 40 होगा, 20 यहाँ आई है तो इनके बीच का गैप हो गया, ये 27 फ्रिक्वेंसी हो गया F, तो यह हो गया 27। 50 एन अपॉन 2 की वैल्यू, 50 यहाँ पर आया हुआ है एन अपॉन 2 की वैल्यू, तो ये 50 माइनस के बाद यहाँ पर जो वैल्यू है C है, तो C हमारा जिस CF में आता है यानी इसमें आएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला ये C का काम करेगा। तो इसका मतलब है एन अपॉन 2 यानी 50 माइनस ब्रेकेट के अंदर 14 प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि C की वैल्यू 14 प्लस एक्स ही है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ये 40 इधर आएगा यानी 40 इधर लाएंगे तो माइनस कर देंगे, इक्वल टू 20 की मल्टीप्लाइकेशन इधर वाले में होगी तो 50 में से ये 14 माइनस होगा, ये माइनस वाला निशान यहाँ भी लग जाएगा, तो अब ये माइनस करके 36 माइनस एक्स बाहर 20 अपॉन 27, ये माइनस करने पर 10 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई दोनों में होगी अंदर, तो 720 माइनस 20 एक्स आएगा यहाँ पर, यानी 720 माइनस 20 एक्स अपॉन 27 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 270 आएगा, इक्वल टू 720 माइनस 20 एक्स, तो इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस करेंगे, इक्वल टू यहाँ पर माइनस 20 एक्स ही है, माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो 440 यानी 450 इक्वल टू 20 एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसे डिवाइड करेंगे 22.5, यानी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंटों में नहीं आती है, इसे अप्रोक्स में ले जाएंगे और इसे 23 बना लेंगे। इसके बाद क्योंकि दूसरा नंबर भी हमें पता लगाना है, एक्स का नंबर यानी ये वाला हमें पता चल गया, अभी हमें वाई पता लगाना है, तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो ये है जो ऊपर से जोड़ता हुआ आया है, तो इसका मतलब है 56 यानी 56 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 इसके बराबर होगा, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है, यहाँ रखेंगे, इसमें हमें एक वैल्यू पता है x की 23 जो कि हमने निकाला हुआ है, यहाँ पर निकाला है, इसको यहाँ रखेंगे प्लस y इक्वल टू 100, ये दोनों जुड़ गए 79 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 को 79 मतलब 100 में से 79 जो है माइनस कर देंगे तो 21 आएगा। आज मेरे मुंह में बहुत छाले पड़े हुए हैं, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं आप लोगों को वीडियो इसका ज़रूर बना के दूंगा, मैं बहुत ही संभाल के बोल रहा हूं जिससे कि जुबान लड़खड़ाए ना, अगर किसी शब्द में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो ये ध्यान रखिएगा कि आज मेरे मुंह में छाले हैं तो आपको बुरा नहीं मानना है। तो हमारी जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है वो 21 और 23 आ चुकी है। अब हम लेंगे अगला प्रश्न, अगर वीडियो लंबी बनेगी तो वीडियो के दो पार्ट हम करेंगे, अगर छोटी बनेगी तो एक पार्ट में ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर 200 छात्रों के कॉलर का माप दिया हुआ है, यानी द साइज ऑफ द कॉलर ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज इज गिवेन बिलो, फाइंड आउट द मॉडल साइज ऑफ द कॉलर। यहाँ पर साइज दिया है, इसे हम एक्स मानेंगे और इसका जो मेजरमेंट है इसको हम एफ मानेंगे। इसमें मीडियन मोड पूछा गया है, सॉरी मोड पूछा है क्योंकि यहाँ पर बोला है मॉडल साइज यानी मोड। तो इसमें वैसे भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ है नहीं, सिंपली क्वेश्चन को ऐसे उतारना होगा एक्स और एफ के रूप में, इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे इस प्रकार से, और इसका एफ का टोटल 200 है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देखेंगे एफ सबसे बड़ा है कौन सा, तो ये 32 है, ये 36 का ही सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी रूप है, तो इसका जो मोड होगा वो 36 होगा यानी 36 होगा, मोड इक्वल टू 36। इसको हमने ऐसे ही सर्च करके पता लगा लिया, तो यहाँ लिख लेंगे कैसे पता लगाया, तो यहाँ बताएंगे बाई इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि द्वारा, बिकॉज इट्स फ्रिक्वेंसी इज मोर टाइम्स, क्योंकि इसके बार बार आने की प्रक्रिया बाकी नंबरों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है,
यानी इनमें किसी का नंबर ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 36 का नंबर यानी 36 जो है 32 बार लिखा हुआ है। तो इसलिए जो 36 है यानी 36 है वही मोड है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 में यहाँ लिखा है लेस देन 8, लेस देन 16, फिर 8 टू 24, 24 एंड एबव 32 से 40, 40 एंड एबव 48 एंड एबव, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल घोंच पहुँच करके दिया है। इसमें हमें जो निकालना है, इन्होंने कहा है कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम दी फॉलोइंग डाटा। अब हमें मीन और मीडियन निकालना होगा, तो सबसे पहला नंबर है कि आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना होगा। मैं यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी सेट करना सिखा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, फिर हम सॉल्यूशन की ओर चलेंगे, नहीं तो आप देखेंगे तो बौखला जाएंगे और समझ में भी नहीं आएगा। पहले हम इस क्लास इंटरवल को 0 से 8 से लेके 8-8 का गैप देते हुए 48 टू 56 तक ले जाएंगे, यानी 0 टू 8 इस प्रकार से 8-8 का गैप देते हुए चलेंगे और 56 तक जाएंगे। 48 से 56 यहाँ पर हम पहुँच गए। अब ये ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में शुरू का और लास्ट का नंबर कभी नहीं बदलता। तो एक तो 5 यहाँ लिखेंगे, दूसरा जिसका क्लास इंटरवल 8 के गैप पर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। जैसे इसमें 8 के गैप में ये दे रखा है 8 का गैप 32, 8, 40, तो 8 के गैप पे इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसका भी हम ऐसे ही लिखेंगे 8। यानी तीन फ्रीक्वेंसी इसमें बिल्कुल सही हैं, उसके बाद की हमें सेट करने की ज़रूरत है। अब इन्होंने कहा लेस देन 8, ये तो सही है, इसका 5 ही रहेगा, लेकिन अब इन्होंने जो बोला है लेस देन 16, इसका मतलब है 16 से कम, 16 से कम, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है यानी इन दोनों का जो नंबर है वो 12 होना चाहिए। अगर इन दोनों का टोटल 12 होगा तो 12 में हमें 5 तो पता है, तो ये 12 में से 5 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा यानी 7 होगा। इसके बाद फिर उन्होंने कहा 8 से शुरू करेंगे 24 पे समाप्त करेंगे, तो इसका जो टोटल होना चाहिए 29 होना चाहिए। अब भाई हम 8 से शुरू करेंगे 24 पे समाप्त करेंगे, तो इसका मतलब यही दोनों तो हुआ, इन दोनों का जो टोटल है वो बोलते हैं 29 होगा, तो 29 में से हम 7 को हटा देंगे तो यहाँ का पता चल जाएगा 22 होगा, क्योंकि अब इन दोनों का टोटल 29 हो गया और इन दोनों का टोटल बोला था 12 होगा तो 12 हो गया। अब आगे बोलते हैं 24 एंड एबव, एबव की सेटिंग फिर नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ का नंबर तो आपको पता है, ये तो पहले से ही हमने फिक्स कर रखा है 40 एंड एबव, यानी 40 और उसके ऊपर, तो 40 और उसके ऊपर मतलब है 40 से आगे का, यानी इन दोनों का टोटल, इसके आगे तो लास्ट तक हो जाएगा, इसका टोटल होना चाहिए 19, इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो 19 होना चाहिए 19, तो 19 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये 14 हो जाएगा। अब इन दोनों का टोटल हो गया 19। आगे बोलते हैं 32 से 40 है तो हाई सेट है मामला इसका, 24 एंड एबव इसका टोटल बोलते हैं 31, 24 एंड अबव यानी 24 से आगे ये 24 है, इसके आगे का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल होना चाहिए 31, तो हम 31 में से 1, 2, 3 इन तीनों को हटा देंगे तो यहाँ का नंबर पता चल जाएगा, यानी ये 8 और 14, 8, 22, 5, 27, 27 हटा देंगे, 31 में से 27 हटा देंगे, इनको मत घटाना, इनको घटाना इनको, तो 31 में से इन तीनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा क्योंकि ये 27 है। अब हमारी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेट हो गई है, तो इसी फ्रीक्वेंसी को हमने आप देखेंगे 5, 7, 22, 4, 8, 14, 5 यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, इन दोनों का टोटल करके आधा करेंगे तो एक्स आएगा, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके एफ एक्स लेंगे और इसका टोटल होगा 1820।
एक्स बार यानी मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन यानी 1820 को एफ के टोटल को हम एन बोलते हैं 65 है इससे डिवाइड करेंगे 28 हमारा आंसर आ गया। एफ का टोटल करके हम सी एफ बनाएंगे 5 में 7 जोड़ दिया 12 यानी 12 12 में ऐड होगा तो 34 4 ऐड होगा 38 8 ऐड करेंगे 46 ऐसे ऐड करते हुए जाएंगे 65। मीडियन का फार्मूला वैल्यू ऑफ एन अपॉन टू थाइट में हमारा फार्मूला है इस फार्मूले को आगे बढ़ाएंगे 65 हमारा जो एन है इसकी वैल्यू रखेंगे 32.5 इसको सी एफ में चेक करेंगे कहाँ लाइज करेगा तो ये 32.5 यहाँ लाइज करेगा। इसके सामने हमारा ये क्लास इंटरवल सेलेक्ट होगा ये एल वन होगा ये एफ होगा और सी एफ में जिसके अंदर ये जिस सी एफ में आया उसके जस्ट ऊपर वाला सी होगा यानी सी एफ का जो काम करेगा। क्लास इंटरवल 16 to 24 सिलेक्ट हुआ है। मीडियन इक्वल टू एल वन प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन टू माइनस सी इसका फार्मूला है। एल वन हमारा 16 है प्लस आई इनका बीच का गैप 8 है अपॉन एफ हमारा 22 है इसके बाद 32.5 हमारा एन अपॉन टू की वैल्यू है माइनस सी हमारा 12 है इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम पहुँचेंगे 23.45 हमारा सही जवाब है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। इसे आप देखने के बाद स्वयं खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर आप फ्रीक्वेंसी सेट करने में सफल हो गए तो सॉल्यूशन आपके हाथ में है साथ में बाजी भी आपके हाथ में है। बहुत दिनों से मैं पर्दे पर नहीं आया हूँ आप लोगों के सामने नहीं आया लोगों को लगने लगा कि सर सिर्फ कॉपी पर ही बनाते हैं नहीं हम बोर्ड पर भी बनाते हैं सवाल कॉपी पर इसलिए बनाते हैं क्योंकि थोड़ा कम समय लगता है और ज़्यादा सॉल्यूशन हम आप लोगों तक पहुँचा पाते हैं इस वजह से हमने भाई एंड्रॉयड बोर्ड तो हमारे पास है नहीं लेकिन हम कॉपी पर बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं तुरंत अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत।